Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, yesterday we studied about the intro of changing cultural traditions. If you have any query regarding the intro, you can ask me. सो आई सपोज नो वन हैज़ अ प्रॉब्लम. तो हमने कल पढ़ा था 19th सेंचुरी के बारे में, हिस्टोरियंस के बारे में, रेनेसा के बारे में, जब उन्होंने ये टर्म दे दी थी, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए कि कल्चरल चेंजेस जो उस पीरियड में आ रहे थे उनको उन्होंने कहा था रेनेसा, जिसका मतलब होता है रीबर्थ. फिर एक हिस्टोरियन रहे थे, स्विस स्कॉलर यानी जेकब बर्कहार्ट. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल से पढ़ाई करी थी स्विट्ज़रलैंड के, और उनके वो एक टीचर थे जो जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड, वो उनके स्टूडेंट रहे हैं. ठीक है, ये जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड के स्टूडेंट रहे हैं जेकब. ठीक है, इन्होंने इनके टीचर जो जर्मन हिस्टोरियन थे उन्होंने समझाया था कि आपका प्राइमरी कंसर्न जो है किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन को लिखना है तो आप लिखिए स्टेट और उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, पेपर्स के बारे में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, जिस पर बर्कहार्ट जो थे वो थोड़े डिससेटिस्फाइड लगे थे. उन्होंने कहा था इसके अलावा भी चीज़ें हैं लिखने के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं. ठीक है, अब सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इटली कि कैसे चेंजेस आ रहे थे, लोग बाग इंक्लूड कर रहे थे लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग को भी अपनी डेली लाइफ में. ठीक है, और एक ह्यूमनिस्ट कल्चर जो है वो अपना रहे थे, यहाँ पे वो डिसेंसी दिखा रहे थे लोग बाग. देन अब रिवाइवल हुआ था इटालियन सिटीज़ का, और हमने पढ़ा था कि कैसे इन्होंने कुछ सिटीज़, इटालियन सिटीज़ पहले रोमन एम्पायर के फॉल के बाद में बिल्कुल यूरोप की कुछ सिटीज़ जो हैं कैसे डिमोलिश हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने धीरे 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 ग्रोथ आने लगी, ट्रेड होने लगा. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टिसिपेट कैसे किया था इन्होंने ट्रेड की एक्टिविटीज़ के अंदर. और फिर उसके बाद में कुछ स्टेट्स जैसे कि फ्लोरेंस और वेनिस जो हैं वो बाकी कोर्ट सिटीज से बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि उन पर कोई प्रिंस रूल नहीं करता था. और बाद में ये जो सिटीज़ थी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई थी और फ्लारिश हो रही थी. ठीक है, फिर यहाँ पे स्टडी का फैक्टर भी आया था, ये जो इन्होंने 14 से 15 सेंचुरी के अंदर जहाँ जहाँ पे जो जो नई नई चीज़ें थी, आर्ट, आर्किटेक्चर या स्टडीज़ को लेकर के जो भी चीज़ें आई थी या डेवलप हुई थी उस समय में, उनका एक प्रॉपर टाइमलाइन दे रखी है आपको. देन हमें शुरू करना है प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज़ और ह्यूमनिज्म. अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हुआ करती थी यूरोप में, ठीक है, इटालियन टाउन्स के अंदर उनको सेटअप किया गया था. यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि पडुआ और बोलोना सेंटर्स हुआ करते थे लीगल स्टडीज़ के लिए 11th सेंचुरी के अंदर. कॉमर्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन गया था, ठीक है, सिटीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड हो रहा था. तो वहाँ पर किन की डिमांड होने लगी? लॉयर्स और नोटरीज़ की डिमांड होने लगी जो लीगल वर्क करते हैं सारा. ठीक है, अब इतने बड़े लेवल पे बिना अग्रीमेंट के काम करवाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए कानून जो है वो बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट हो गया था पढ़ाई करने का उस समय में, है ना. और स्टडीज़ जो है रोमन कल्चर की वो इससे रिलेटेड ही हुआ करती थी. देन फिर उसके बाद में फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो है उन्होंने रिप्रेजेंट करा था इस चेंज को. पेट्रार्क ने एक सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से बताया था, उन्होंने एक्चुअल वर्ड्स जो थे एंशियंट ग्रीक के और रोमन्स के उनको लेकर के एक अपनी थ्योरी दी थी. ठीक है, इसीलिए उन्होंने मेन इंपॉर्टेंस अपनी रीडिंग्स में किस पे दिया था? एंशियंट ऑथर्स पे दिया था, जो पहले के ज़माने ऑथर्स होते थे उस पर. अब हम इसको पैरावाइज पढ़ेंगे लाइन टू लाइन. द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप हैड बीन सेटअप इन इटालियन टाउन्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहले की यूनिवर्सिटीज़ यूरोप के अंदर जो है इटालियन टाउन्स के अंदर ही सेटअप की गई थी. यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि पडुआ और बोलोगना, ये सेंटर्स हैड बीन सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज़ फ्रॉम 11th सेंचुरी, ये 11वीं सेंचुरी से ही पढ़ाई के लिए सेंटर हुआ करते थे लीगल स्टडीज़ के लिए. Commerce being the chief activity in the city, there was an increasing demand for lawyers and notaries, a combination of solicitor and the record keeper to write and interpret rules and the written agreements without which trade on a large scale was not possible. अब क्या हो रहा था? जब व्यापार ज़्यादा हो रहा था, कॉमर्स एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही थी सिटी के अंदर, तो वहाँ पर लॉयर्स और नोटरीज की डिमांड बहुत बढ़ गई थी.
जिसमें नोटरीज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन होता है सॉलिस्टर, यानी कि लीगल रिकॉर्ड्स जो रखता है या सारे कानून की जो चीज़ें होती हैं, एक सॉर्ट ऑफ लॉयर ही होता है ये, ठीक है, उनकी, जिससे ये लिख सकें और रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं अग्रीमेंट के वो बता सकें, मैनेज कर सकें, ठीक है, अग्रीमेंट करवा सकें, क्योंकि ट्रेड जो हो रहा था, व्यापार जो हो रहा था, वो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा था और ये पॉसिबल नहीं था कि बिना अग्रीमेंट कराए आप उस पर काम करवा सकें, बहुत रिस्क होती है। लॉ वॉज देयर फॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, इसीलिए कानून जो है उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी उस समय में। बट देयर वॉज नाउ अ शिफ्ट इन एम्फेसिस, थोड़ा शिफ्ट भी आया था अब इस चीज़ में। इट वॉज अ स्टडीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्लियर रोमन कल्चर, ये पढ़ा जाने लगा था अर्लियर रोमन कल्चर के बारे में। फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो हुए हैं 1304 से 78 के बीच में, उन्होंने इस चेंज को अपनी राइटिंग्स में अच्छे से बताया है। पेट्रार्क एंटिकिटी वॉज अ डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन विच कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। अब इन्होंने जो पेट्रार्क ने लिखी है अपनी चीज़, ठीक है, उसके बाद में जो इन्होंने किताब लिखी है या जो भी इनकी राइटिंग्स है, उसमें एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स के प्रॉपर एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ किया गया, जिससे आप उस समय की कंडीशन को समझ सकें। ही देयरफॉर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लोज रीडिंग ऑफ एंशियंट ऑथर्स, इसीलिए ये किस चीज़ पर जोर दे रहे थे कि एंशियंट ऑथर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा जाए। फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी चलाए जा रहे थे, जिसमें धार्मिक टीचिंग्स यानी धर्म से रिलेटेड चीज़ें भी बताई जा रही थी। हिस्टोरियंस जो थे 19th सेंचुरी के, उनको लेबल दे दिया गया था ह्यूमैनिज्म का। और अर्ली 15th सेंचुरी के अंदर ह्यूमनिस्ट जो है वो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, ठीक है, और क्यों यूज़ होने लगा था, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ा रहे थे, यूज फॉर मास्टर्स, जो सिखाते थे ग्रामर, रियटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री और मॉरल फिलॉसफी, उनके लिए ह्यूमनिस्ट शब्द का यूज़ किया जाता था। ह्यूमनिस्ट जो वर्ड है ये लेटिन वर्ड ह्यूमनिटास से निकला गया है, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज इसमें से डिराइव किया गया है। सेंचुरीज अगो बाय, काफ़ी सालों बाद, रोमन लॉयर जो है एसेइस्ट सिसेरो, इन्होंने एक जूलियस सीजर करके चीज़ लिखी है, ठीक है। और अब हम इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे। द एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लाइड दैट देयर वॉज मच टू बी लर्न विच रिलीजियस टीचिंग्स अलोन कुड नॉट गिव। अब एजुकेशनल प्रोग्राम जो होते थे उनमें ये बताया जाता था कि आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है, बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने के लिए। जो धर्म की चीज़ें जो हैं वो खाली हमें सिर्फ चीज़ सब एक ही चीज़ सिखाती है, धर्म हमें एक ही चीज़ सिखा रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धर्म की चीज़ें हमें नहीं सिखा सकती। दिस वॉज द कल्चर विच हिस्टोरियंस इन द 19th सेंचुरी वर्ड टू लेबल ह्यूमैनिज्म। अब क्या हुआ था, ये वो कल्चर था जिसको 19th सेंचुरी में जो रिलीजियस पढ़ाई के अलावा ह्यूमैनिज्म के तौर पे पढ़ाया जाने लगा, यानी सीखा जाने लगा, उसको लेबलिंग दे दी थी ह्यूमैनिज्म की। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमैनिस्ट वॉज यूज फॉर मास्टर्स हु टॉट ग्रामर, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी। 15th सेंचुरी के आते आते ह्यूमैनिस्ट जो है उन शब्दों के, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाने लगा जो क्या सिखा रहे थे उस समय, ग्रामर, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री और मॉरल फिलोसफी जो सिखा रहे थे मास्टर्स, उनके लिए ह्यूमैनिस्ट की उपाधि दी जाने लगी। द लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास, मैनिटास, फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वर्ड अराइव, लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास है उससे एक वर्ड निकाला गया है ह्यूमैनिटीज यानी इंसानियत, हैड बीन यूज मैनी सेंचुरीज अगो बाय द रोमन लॉयर एसेइस्ट सिसेरो, ठीक है। ये शब्द बहुत सालों पहले, सेंचुरीज पहले, एक रोमन लॉयर हुआ करते थे और एक एसेइस्ट यानी ऐसे भी लिखते थे वो, सिसेरो, उनके द्वारा यूज किया गया था। कंटेम्प्रेरी ऑफ जूलियस सीजर टू मीन कल्चर, ये किसके लिए यूज किया गया था, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर जूलियस सीजर जो था उसको कल्चर समझाने के लिए बताया गया था। अब इन्होंने जो चीज़ लिखी है उसको बताया गया है जूलियस सीजर का एक कंटेम्प्रेरी पार्ट। दीज सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन, ये जो सब्जेक्ट थे ये धर्म से ना तो जुड़े हुए थे ना उनमें से कोई चीज़ इन्होंने ली थी। एंड एम्फसाइज स्किल्स डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, और इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या मेनली आ रहा था, जो हुनर होते हैं लोगों के वो जो डिस्कस करके, डिबेट करके या किसी पर्टिकुलर सेवरल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, उस पर बेस्ड ये सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? गर्ल्स किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो।
ओके दीज रेवोल्यूशनरी आइडियाज अट्रैक्टेड अटेंशन मेनी अदर यूनिवर्सिटीज. सब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज कनेक्ट करके दिखाई जाए प्रेजेंट फॉर्म में, तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो वर्ल्ड है उसके अंदर कई सारी नई पढ़ाई, नई तरह की फील्ड्स जो है वो डेवलप हो रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, उसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं, या रोबोटिक्स हुआ, आप रोबोट्स की पढ़ाई कर सकते हैं, या आप फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं, या किसी भी एक डिफरेंट फील्ड को उठा करके आप उसके बारे में, और जो कि बिल्कुल रिलीजियस व्यू से बिल्कुल डिफर हो, ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट हो या बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हो, इरेलेवेंट हो, ठीक है, वैसी पढ़ाई भी आप कर सकते हैं. अब इनके ज़माने में क्या हो रहा था, पहले जो पढ़ाइयाँ हो रही थी वो या तो उसमें धर्म से रिलेटेड हो रही थी, धर्म में ऐसा बोला गया है, धर्म कहता है ये चीज़ें करो, वो थी. लेकिन बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन आते आते उन्होंने नई तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ना शुरू करी, नई जो फील्ड्स थी उनको एक्सप्लोर किया, नए जो ऑप्शंस थे लाइफ में पढ़ाई के उनको एक्सप्लोर किया. जैसे कि हमारे पास में आज बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम अभी जो चीज़ है ये उस समय तो प्रेजेंट थी नहीं कि साइंस की अलग फील्ड होगी या आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ की अलग फील्ड होगी या कॉमर्स की अलग फील्ड होगी. कॉमर्स में जाके आप सी ए सी एस कर पाएंगे, आर्ट्स में जाके आप आई ए एस बन सकते हैं या किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या साइंस में जाके आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं. तो इस तरह की फील्ड्स तब थी नहीं और लोग बाग सिर्फ स्टिक थे तो एक सिर्फ धर्म से रिलेटेड पढ़ाई को लेकर के. लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन आ रहा था और एवोल्यूशन आते आते नए नए फील्ड्स खुलती जा रही थी. कुछ लॉयर बन रहे थे, कुछ नोटरी बन रहे थे, ठीक है. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज से लोगों का ध्यान जो है वो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब सिर्फ धर्म नहीं पढ़ा रही थी, वो अलग अलग तरह की पढ़ाई भी करवा रही थी और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दे रही थी, जिससे लोग बाग चीज़ों को डिफरेंटली समझ पाए, ठीक है. दीज रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अट्रैक्टेड अटेंशन इन मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़, पर्टिकुलरली इन द न्यूली इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ इन पेट्रॉक्स ओन होम टाउन ऑफ फ्लोरेंस. अब ये पर्टिकुलरली अटेंशन अट्रैक्ट कर रही थी यूनिवर्सिटीज़, और जो पेट्राक का घर होम टाउन हुआ करता था फ्लोरेंस, उसी के अंदर ये यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश भी की गई थी. अब 13 सेंचुरी के एंड में आते आते सिटी जो है वो सेंटर बन गई थी ट्रेड और लर्निंग का, ठीक है. वहाँ पर इतने ड्रामेटिकली चेंजेस आए थे 15 सेंचुरी के अंदर, यानी कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए थे. Till the end of the 13th century, this city has not made a mark as a center of trade or of learning, but things changed dramatically in the 15th century. अब क्या हुआ था, 15th century के अंदर ये बहुत ज़्यादा changes आए थे, 13th century जो थी उसमें इतने इनको boom नहीं मिला था. A city is known by its great citizen as much as by its wealth. अब city जो है, कोई भी शहर जो है वहाँ के लोगों से ज़्यादा जाना जाता है, बजाय वहाँ के लोग कितने पैसे वाले हैं उससे या कितने रिच है उससे, ठीक है. एंड फ्लोरेंस हैड कम टू बी नोन बाय बिकॉज ऑफ द डांटे एलिगेरी, अ लेमैन हु रोट ऑन रिलीजियस थीम्स, और जियोटो, एन आर्टिस्ट हु पेंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर्स डन बाय द अर्लियर आर्टिस्ट. अब जो सिटी है वहाँ के लोगों से जानी जाती है, तो यहाँ के जो लोग थे यानी फ्लोरेंस के जो लोग थे उनमें सबसे फेमस थे डांटे, डांटे एलिगेरी, जो कि एक लेमैन थे जिन्होंने लिखा था एक रिलीजियस थीम्स पर, धार्मिक थीम्स पे. फिर हुए जियोटो, उन्होंने, वो भी एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेंट किए कई सारे लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स, यानी कि एकदम जीवित ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाना जो बिल्कुल ऐसे लगे कि बिल्कुल एक रियल सीन हो. जैसे आपके यहाँ पे एक उनकी पेंटिंग जो है वो भी मैंशन की गई है, जिसमें चाइल्ड जीसस दिखाए गए हैं जो असिस्ट कर रहे हैं इटली को, ठीक है. तो इस तरह की लाइफ लाइक पेंटिंग्स बनाना, रियल सीन्स की पेंटिंग बनाने से भी लोगों के अंदर जो है, जो पहले अर्ली आर्टिस्ट होते थे वो तो क्या एक सिंपल फिगर्स की कोई बैठा हुआ है और उसकी पेंटिंग बना दी, या कोई ठहरा हुआ है उसकी पेंटिंग बना दी, बस प्रॉपर उसको करते थे. लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्ट्रीम से डिफरेंट जाकर के पेंटिंग बनाई थी. फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली. और फिर उसके बाद में तब से ही ये जो है इटली के अंदर इंटेलेक्चुअल यानी बहुत ही इंटेलिजेंट सिटी के तौर पर डेवलप होने लगी. एंड एज अ सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, और ये सेंटर भी बनी किसका, आर्ट्स का, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का सेंटर बनी. द टर्म रेनेसा मैन इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन विद मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल्स, बिकॉज मैनी
द इंडिविजुअल्स हु बिकेम वेल नोन एट दिस टाइम वर पीपल ऑफ मेनी पार्ट्स. अब रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, और यहाँ पे यूज किया गया रेनेसा मैन, जो यूज किया जाता था किसी भी एक व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करने के कि उसको कितने सारी डिफरेंट फील्ड्स में इंटरेस्ट है, कि उसमें कितने सारे स्किल्स हुनर्स हैं, ठीक है, कितने सारे हुनर हैं. बिकॉज ऑफ मैनी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि उस समय कई सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो जाने जाते थे उस समय में अपने अलग अलग हिस्सों में अपने अपने काम के हिसाब से. देवर स्कॉलर्स, डिप्लोमैट, थियोलॉजिशियन, आर्टिस्ट कम्बाइन इन वन. अब वहाँ पर क्या होने लगा, एक ही व्यक्ति जो है स्कॉलर भी बन रहा है, डिप्लोमेट भी बन रहा है, थियोलॉजियन भी बन रहा है, आर्टिस्ट भी बन रहा है, सब एक ही व्यक्ति में मिल रहे हैं, ठीक है. देन ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, पहले ये मार्क कर देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है. अब ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री में क्या है, ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रिस्टोरिंग दिस ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस फ्रॉम फॉर दे बिलीव दैट अ डार्क एज हैड सेट इन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर. अब रोमन एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद में जो वहाँ पे लोग अपने आप को ह्यूमनिस्ट की उपाधि दे रहे थे, जो ग्रामर, पोइट्री, आर्टिस्टिक सिविलाइजेशन सिखा रहे थे, वो अपने आप को क्या बोल रहे थे कि हम क्या लेकर के आ रहे हैं, ट्रू सिविलाइजेशन लेके आ रहे हैं. कई सेंचुरीज के अंधेरे के बाद में, कई डार्क एजेस के बाद में, रोमन एम्पायर जब कोलैप्स हुआ तब उसके बाद में ये लोग एक अस्तित्व लेकर के आ रहे थे नई सिविलाइजेशन का, जिसमें कई सारे ऑप्शंस थे लोगों के लिए. फॉलोइंग देम लेटर स्कॉलर्स अनक्वेश्चनिंगली अज्यूम्ड दैट अ न्यू एज हैड बिगन इन यूरोप फ्रॉम द 14th सेंचुरी. अब आने उनको फॉलो करते हुए कुछ बाद के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बिना कोई क्वेश्चन रेज किए हुए उस चीज़ को उपाधि दे दी न्यू एज. अब यूरोप के अंदर न्यू एज शुरू हो गई थी 14th सेंचुरी. और मिडिल एजेस और मिडिवियल पीरियड जो है वो मिलेनियम यानी 1000 ईयर्स के लिए यूज़ किया जाने लगा था आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, रोम के फॉल के बाद, रोमन एम्पायर के फॉल के बाद. इन द मिडिल एजेस दे आर्ग्यूड द चर्च हैड सच कंप्लीट कंट्रोल ओवर मेंस माइंड दैट ऑल द लर्निंग्स ऑफ द ग्रीक्स एंड द रोमन्स हैड बीन ब्लॉटेड आउट. अब ये माने जाने लगा कि मिडिल एजेस जो है उन्होंने आर्ग्यू किया कि चर्च जो है पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था सारे मेन के दिमागों को, ठीक है, और वो सिर्फ वही चीज़ें सिखाते थे जो वो सिखाना चाहते थे. और उन्होंने क्या किया, ग्रीक्स और रोमन के दिमाग को बिल्कुल ब्लॉटेड आउट कर दिया, यानी कि बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ख़राब कर दिया है. द ह्यूमनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी. और उससे पहले क्या यूज़ हो रहा था, वर्ड मिडिवियल, और उसके 15th सेंचुरी में वो लोग क्या शब्द यूज़ करने लगे, मॉडर्न वर्ड, ठीक है. अब यहाँ पे पीरियडाइजेशन दिया है ह्यूमनिस्ट का, ठीक है, और लेट स्कॉलर्स का, 5th से 14th सेंचुरी के बीच में बोला जा रहा है मिडिल एज, फिर 5th से 9th सेंचुरी के बीच में ये डार्क एजेस भी इंक्लूड कर रहे हैं, 9th से 11th सेंचुरी के अंदर ये अर्ली मिडिल एजेस बोल रहे हैं, और 11th से, अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है 5th से 14th का, और 11th से 14th सेंचुरी के बीच में बोल रहे हैं द लेट मिडिल एज, और फिर आ जाती है 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि द मॉडर्न एरा, द मॉडर्न एज. रिसेंटली हिस्टोरियंस हैव क्वेश्चन्ड दिस डिवीजन, और रिसेंटली हिस्टोरियंस ने इस डिवीजन को जो उन्होंने दिया है यहाँ पे, इस पर कई क्वेश्चंस रेज किए हैं. विद मोर रिसर्च बीइंग डन एंड मोर बीइंग फाउंड आउट अबाउट यूरोप इन दिस पीरियड, स्कॉलर्स आर इंक्रीजिंगली रिलक्टेंट टू मेक शार्प डिविजन्स बिटवीन सेंचुरीज इन टर्म्स ऑफ बीइंग culturally vibrant or otherwise, it seems unfair to label any period as the dark ages. अब कई सारी रिसर्च की है उन्होंने और कई सारी चीज़ें जो है यूरोप के बारे में इकट्ठा करी हैं, स्कॉलर्स के बारे में इकट्ठा करी हैं, जिनसे इनको ये पता पड़ा है कि उस ज़माने के लोगों की जो सोच हुआ करती थी उनमें बहुत डिविजन था, यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग उनकी ओपिनियंस हुआ करती थी, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा कल्चरली वाइब्रेंट थे, ठीक है. अब कुछ जो थे वो बहुत ही कल्चर को अलग तरीके से देखते थे और कुछ जो थे वो बिल्कुल अलग तरीके से थे देखते थे. ऐसा नहीं था कि सारे ही जो हैं वो डार्क एजेस के अंदर आप कंपाइल करके बोल सकते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. अभी तक मैम रिलक्टेंट और वाइब्रेंट का एक्चुअल मीन क्या है? रिलक्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से रिलेटेड होना, ठीक है, डिफरेंट होना, और वाइब्रेंट होता है बहुत ज़्यादा
जैसे इन्होंने डार्क एजेस की वो दे रखी है ना यहाँ पे थ्योरी, कि बहुत डार्क थी, मतलब इतना नहीं था कि डार्क पूरी तरह डार्क नहीं थी, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ हैप्पी चीज़ें भी थी, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे उसको यूज़ किया गया है। समझे? यस मैम। ओके ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील स्टडी फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। इसको पढ़ना घर जा करके, कोई प्रॉब्लम मतलब खरी हो सॉरी, इसको पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मंडे की क्लास में पूछ लेना।